आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को रजिस्ट्रेशन के लेकर के जो भी लेटेस्ट अपडेट आई है इस चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नोटिस में यहाँ पर एक भी नोटिस नहीं आई है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको नोटिस बोर्ड पर कुछ नहीं दिखा दे रहा है। वैसे अगर नोटिस आती है तो यहाँ पर आप जैसे देखिए रजिस्ट्रेशन का अगर लिंक आएगा तो लिंक कहाँ आएगा, लिंक आपको यहाँ पर आती है। देखिए एडमिशन एंड एग्जामिनेशन को लेकर के यहाँ पे जो भी लिंक आती है वहाँ पे आपको यहाँ से फॉर्म फिलअप करना होता है या एग्जामिनेशन नोटिस फिल एग्जामिनेशन फॉर्म जो भी आपका आता है वो यहाँ पे आपको करना है। हालांकि यहाँ पे अभी कोई भी लिंक नहीं दिया। अगर वैसे तो डेट 13 से ही थी, आज से ही थी, लेकिन अभी तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को लेके लिंक कोई भी नहीं दी गई है। तो यहाँ पे नोटिस, एक नया नोटिस आई है, वो मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए इसको ओपन कीजिएगा तो एक नोटिस आई है जिसमें आपको देखिए यहाँ पे अभी लेटेस्ट नोटिस आई है जो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करने का प्रयास किया हूँ। देखिए यहाँ पे 13 को है, अभी तुरंत आई है और मैं आपको तुरंत वीडियो बनाने के बना के आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके सबसे पहले। तो देखिए मैं आपको इसको यहाँ से डाउनलोड करके दिखाता हूँ और उसको मैं एक एक करके आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि इस नोटिस में आपको क्या बताया गया है। हालांकि 13 से लेकर 18 तक जो था सो आपको नोटिस का जो नोटिस के अनुसार से आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप होने वाला था लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा लिंक नहीं दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है नोटिस रजिस्ट्रेशन 19-20 और यहाँ पे डेट 12 का ही है, लेकिन आपको जैसे नोटिस में हम आपको दिखा दिए हैं नोटिस कब भी यहाँ पे लगी है, आज का डेट है। यहाँ पे दिया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर डिफरेंट कोर्सेज एज कम्युनिकेटेड बट लेटर नंबर इतना RPPU 85/2020। ये कल के नोटिस के बारे में है और देखिए यहाँ पे RPPU 80 ऊपर में कॉर्नर में देखिए यहाँ पर दिया गया है RPPU 86। ये है 85 जैसा कि पहले नोटिस में दिया गया था और ये है 86। तो ये जो 12 तारीख को आई थी कल नोटिस उसमें दिया गया था सेल बिगिन फ्रॉम 13/2/2020। तो फॉर मोर डिटेल विजिट HTPPU.ac.in। तो इस वेबसाइट पे आपको जाने के लिए कहा था, तो यही वेबसाइट जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पेज पे जाने का था। इसमें आपको देखिए नीचे में आप आइएगा तो यहाँ पर दिया गया है द रजिस्ट्रेशन नंबर शैल बी अलॉटेड टू द स्टूडेंट्स वंस द कंसर्न्ड कॉलेज वेरीफाइज द डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द माइग्रेशन ऑफ द स्टूडेंट। आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो भी आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आपको ऑनलाइन होगी और वो भी कराने के बाद आपको कॉलेज में जो है माइग्रेशन लेके और जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है और आपको वेरीफाई करेगी कॉलेज आपको और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करेगी कॉलेज और उस रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा ही आपको फॉर्म भराया जाएगा। तो ये थी आपके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करने का प्रयास किया हूँ। तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिंक अभी तक अपलोड नहीं की गई है, हालांकि इसको लेकर के एक न्यूज़ नोटिस बोर्ड लगा दी गया है कि आपको जब भी रजिस्ट्रेशन लिंक आएगी तो आपको मैं प्रोसेस भी बताऊंगा कैसे करना है और कैसे कैसे होती है वो सारा कुछ बताऊंगा। साथ ही साथ ये जो रजिस्ट्रेशन है ये प्रोसेस आगे का बताया गया है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको कॉलेज जा करके कॉलेज जाना पड़ेगा और आपको सारा डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाना पड़ेगा, वो वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करके आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करेगा जो आपको फॉर्म भरने वक्त आपको काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।